पाठ योजना 3 डेलेट सेकेंड सेमेस्टर। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ योजना 3। पहले लिखेंगे दिनांक, फिर लिखेंगे कक्षा, फिर विषय, फिर उप विषय, फिर चक्र, फिर अवधि। नीचे लिखेंगे प्रकरण, जिसमें होगा दुलारी की गागर। प्रकरण में दुलारी की गागर। जो हमारी पहली हेडिंग होगी वह होगी सामान्य उद्देश्य, जिसमें कि हम ये तीनों सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे छात्रों को दुलारी की गागर नामक पाठ का अध्ययन कराना तथा तर्क शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम इसको लिखेंगे कि सभी छात्र पानी भरने वाले बर्तनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे पानी भरने वाले बर्तनों से संबंधित चित्र, चाक, डस्टर तथा अन्य शिक्षा उपयोगी वस्तुएं आदि। जो अगली हेडिंग होगी वह होगी प्रस्तावना प्रश्न, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें हम पहला लिखेंगे और छात्र क्रियाओं में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो होगा, दूसरे में ये लिखेंगे और ये छात्र क्रियाओं में, थर्ड में इसको और इसको। नीचे लिखेंगे जो सामान्य उद्देश्य, यहाँ पर हेडिंग मिटी हुई है तो सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, बच्चों आज हम सब दुलारी की गागर नामक पाठ का अध्ययन का पाठ का सामान्य अध्ययन करेंगे। सामान्य उद्देश्य वही होता है जो कि प्रकरण होता है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, अगली हेडिंग होगी। इसमें हम पूरा पाठ ना लिखकर केवल उसको शॉर्टकट में लिख देंगे, जैसे कि दुलारी और डैश 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 भर्ती, तो शॉर्टकट में यहाँ पर हमारा पूरा पाठ इसमें समाहित हो जाएगा, जितना पाठ हम बच्चे को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगी यहाँ पर शिक्षण बिंदु, इधर लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाएं और इधर छात्र क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे आदर्श वाचन, इसमें इसको लिखेंगे, फिर इधर इसको लिख देंगे। इधर लिखेंगे अनुकरण वाचन, इसमें इसको नोट कर देंगे, इसमें इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा होगा काठिन्य निवारण, इसमें इसको जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा बोधात्मक प्रश्न, इसमें इन तीनों को लिख देंगे और इधर इन तीनों आंसर को भी लिख देंगे। अगर ना दिख रहे हो आंसर तो नीचे कर देते हैं, ये तीनों आंसर और ये तीनों क्वेश्चन लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा काम आएगा श्यामपटकार। श्यामपटकार वही लिखेंगे जो हम ब्लैक बोर्ड पर करेंगे कक्षा में, तो इसको लिखने के लिए हम ब्लैक चार्ट जो होता है उसको कट कर लेंगे और उसको फेविकोल की मदद से आसानी से चिपका देंगे। जब वो चिपका हुआ चार्ट सूख जाएगा हमारी कॉपी पर, तब हम अपना ये कार्य करेंगे। इसमें हमें व्हाइट स्पार्कल पेन की मदद चाहिए होगी, तो इधर लिखेंगे शब्द, इधर लिखेंगे अर्थ। शब्द में लिखेंगे पानी भरना, अर्थ है पानी लाना। मुँह फाड़ा, मुँह खोला, अटक गई, फंस गई, तो ये हमारा श्यामपट कार्य होगा। जब ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा फिर नीचे हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य, तो इसमें इसको जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर देंगे। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग गृह कार्य, इसमें लिख देंगे सभी बच्चे पढ़ाए गए पाठ को पढ़कर तथा एक पेज सुलेख लिख कर लाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर केवल हमें देना है पाठ को पढ़कर लाना, लिखने को बच्चों को कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि कक्षा एक और दो में गृह कार्य नहीं दिया जाता, केवल उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है, घर से पढ़ के आना है, तो केवल इसमें गृह कार्य देंगे। ये इतना कट कर देंगे, केवल बच्चों को घर से पाठ पढ़कर आना है, तो ये गृह कार्य दिया जाएगा।
तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।